नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज लाइन, जिसकी कुल लंबाई 229 किलोमीटर है, जो कि आने वाले समय में उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइन साबित होने वाली है। इसका लामटा से सामनापुर का कार्य चल रहा है, जिस पर कि इसी हफ्ते इंजन का स्पीड ट्रायल किया गया, जो कि करीब 100-105 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाया गया। साथ ही समनापुर से चरेगांव के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। वहीं लामटा से चरेगांव के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। सितंबर महीने में यहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य में काफ़ी तेज़ी आई थी, तथा डीजल इंजन वाली गाड़ी से बेलास्ट तथा ट्रैक की जांच का कार्य संबंधित इंजीनियर कर रहे हैं। आने वाले समय में इस ट्रायल के बाद यह उम्मीद जागी है कि इसी महीने चीफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर का दौरा हो सकता है। इस रेल मार्ग पर गाड़ियों को चलाने से संबंधित आदेश जारी किया जाएगा। सबसे पहले 2 से 3 महीने तक मालगाड़ियों का परिचालन इस ट्रैक पर किया जाएगा। उसके बाद यह ट्रैक खवारी गाड़ी के चलाने के लिए उपयुक्त हो जाएगा। वर्ष 2015 में यह ट्रैक ब्रॉडगेज में बदलने हेतु बंद कर दिए गए थे, तथा टुकड़े में यह कार्य पूरा किया गया। सबसे पहले जबलपुर से नैनपुर और बालाघाट से गोंदिया के बीच कार्य पूरा हुआ। उसके बाद बालाघाट से समनापुर का कार्य पूरा हुआ, तथा अंतिम चरण में अब लामटा से समनापुर के बीच यह कार्य अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इस रेल मार्ग के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ने वाले श्री अनूप सिंह जी बेस का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस रेलवे लाइन के तमाम चरण हेतु अपना प्रयास जारी रखा कि यह रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित होने की ओर अग्रसर हो चुकी है। आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि CRS महोदय के द्वारा निरीक्षण में यह ट्रैक पूरी तरह से फिट पाया जाए। इस महत्वपूर्ण ट्रैक पर ट्रेन फिर से दौड़ सकेंगी। इस रेलवे लाइन के ग्राउंड कवरेज के लिए आप हमारे वरिष्ठ साथी श्री अम्मार रिजवी और श्री इर्तका अख्तर जी के चैनल का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस क्षेत्र के कार्य का शुरू से अभी तक का ग्राउंड कवरेज बनाया है। इस रेलवे लाइन से कौन कौन सी ट्रेनें भविष्य में जा सकती हैं, इसको इंगित करते हुए हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही इस वर्ष हुई भारतीय रेलवे की टाइम टेबल कमेटी के द्वारा इस रूट के बन जाने के बाद से पहली ट्रेन का टाइम टेबल भी प्रस्ताव में भेजा गया था, जो कि थी रीवा से इतवारी एक्सप्रेस, जिसका टाइम टेबल भी हम यहां पर संलग्न कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें इस रेलवे लाइन के बारे में और जानकारी मिलती है, हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।